अंशम कहाँ गए थे तुम? दीदी मैं मंदिर गया था। पंचम फिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझसे अपने मन की बात छुपा रहे हो ना? भगवान से लड़ने गए थे ना मीरा के लिए? पंचम तुम ही तो कहते हो कि कर्म करना हमारा काम है और फल देना उनका, तो फिर परेशान होने से क्या फायदा है पंचम? समझता हूँ दीदी, पर आपको कैसे बताऊं कि मैंने मंदिर में क्या महसूस किया? पंचम कहाँ खो गए तुम? दीदी मैं तो दुआ कर रहा था, और आप भी दुआ करो कि मन में ये जो अशुभ ख्याल आ रहे हैं वो कहीं सच ना हो जाए। जिस मीरा ने हमारी तकलीफ को दूर करने के लिए कदम उठाया है वो सही सलामत हो, और वक्त से पहले उसकी जिंदगी पर कोई आंच ना आए। हर चीज में मीरा नजर आती है। आपको हर चीज में मीरा नजर आती है, लेकिन मेरे मेरे तो हर एहसास में है वो। जाना तो था ही, लेकिन इडियट इस तरह चली जाएगी और हम सबको अकेला छोड़ जाएगी, ये कभी नहीं सोचा था। हर वक्त आंखों के सामने घूमती रही थी। कॉलेज में जब पहली बार देखा था तब से लेके आखिर बार मिलने तक एक एक बात आंखों के सामने आती, जैसे कोई पल गुजरा ही नहीं, सब कुछ अभी हो रहा है। जब तक मीरा मिल नहीं जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। राहुल तुम अकेले नहीं हो। हाँ राहुल हम भी तुम्हारे साथ। चलो मिस्टर अवस्थी, मिस्टर अवस्थी मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर अवस्थी प्लीज जिद मत कीजिए। जिद मैं नहीं तुम कर रही हो, जाने दो मुझे। अरे कैसे जाने दूं, कल से आपने कुछ नहीं खाया है, रात भर आपको बुखार था, अब थोड़ी देर पहले आपको चक्कर आया है, आपकी तबीयत इतनी खराब है और आप कहते हैं कि मैं आपको जाने दूं। अवस्थी साहब अच्छा हो गया अशोक जी कि आप आ गए, अब आप ही ने समझाइए, कल से इनकी तबीयत बहुत खराब है लेकिन जिद कर रहे हैं कि मीरा को ढूंढने जाएंगे। मैं बाप हूं उसका, अपनी अंधी लाचार बेटी को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? अवस्थी साहब मैं जानता हूं कि आप मीरा से बहुत प्यार करते हैं,
मीरा मेरी भी बेटी समान है अवस्थी साहब, और मैं भी उसे तलाश करता हुआ ही यहां तक पहुंचा हूं। इस वक्त पंचम और उसके सारे दोस्त भी हर जगह मीरा को ही तलाश कर रहे हैं। अशोक जी, मुझे लगता है मैं बाप होने का फर्ज अदा नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर अवस्थी? आप तो बहुत अच्छे पिता हैं। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। अशोक जी, दुआ कीजिए मेरी बेटी को कुछ ना हो, वो जहां भी हो सही सलामत हो। मौत तो उसके सिर पर मंडरा ही रही, पर उसे लावारिसों की मौत ना मिले। उसे दम तोड़ना है तो अपने बाप की गोद में दम तोड़े, अपने इस बाप की। मीरा कहाँ हो गरीब बच्ची, तुम कहाँ हो? हे बंसी वाले, कृपा कर, कृपा कर बंसी वाले। बेटा कुछ पता चला मीरा? नहीं अंकल, पर डोंट वरी, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मिस्टर अवस्थी, पता चला मेरी बेटी का? हाँ, उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। हवलदार, देखिए और बताइए, क्या आप इसे पहचानते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? अवस्थी साहब, पहले आप सामान को देख लीजिए, फिर सब कुछ बताता हूं। मानुष दुर्लभ देह है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता झड़े, बहुर न लागे बहुर न लागे डार। बताइए ये सामान। सामान अगर मीरा का हो भी तो क्या साबित होता है? बेचारी अंधी लाचार लड़की, रास्ते में कहीं छूट गया होगा। मगर अवस्थी साहब, जहां से ये सामान मिला है वो रास्ता जिंदगी का नहीं, मौत की तरफ जाता है। एक आदमी ने आपकी बेटी को पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए देखा था। हमने उसको मीरा की तस्वीर दिखाई तो उसने हमें सब कुछ बता दिया। हमने खाई में जाकर तलाश किया तो वहां से ये सामान मिला और एक ऐसी लाश मिली जिसे काफी हद तक जानवरों ने खा लिया था। हमने बॉडी को अस्पताल भेज दिया है, वहां डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगर आप लोग मीरा की मेडिकल रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचे तो हो सकता है ये मामला हाँ या ना का वहीं साफ हो जाए। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, वो मेरी बेटी की लाश नहीं हो सकती। मेरी बेटी की लाश नहीं हो सकती, वो नहीं। नहीं हो सकता। हम भी दुआ करते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट से मैच ना करे, और इसी दुआ पर यकीन रखते हुए हमें वहां चलना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मिस्टर अवस्थी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चीजें मैच होती हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप सेम है, हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम है।
और लाश के पास से जो सामान मिला था वो भी आपने कहा था कि आपकी बेटी का है, और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट भी कहती है कि ये लाश आपकी बेटी की ही है। यानी मंदिर में मैंने जो देखा उसकी सच्चाई यही है। आप बॉडी क्लेम करके ले जा सकते हैं। मैं अपनी बेटी की लाश देखना चाहता हूं। श्योर, प्लीज। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके, राजश्री। राजश्री, मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, किसी की भी दुआ काम नहीं आई। वो देखो, मीरा और मिस्टर अवस्थी दोनों मुझे छोड़ के चले गए, दोनों मुझे छोड़ के चले गए। राजश्री, कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल जो बैठा
पे आज मसाने दी, आज मसाने दी। उसे मत देखिए, आपको देख के बहुत तकलीफ होगी। अवस्थी साहब और मीरा पुण्य आत्मा थे। और कहते हैं कि ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत उस भगवान को भी पड़ जाती है। तो मैं भगवान से दुआ करूंगी कि किसी के घर में भी इतने अच्छे बाप और बेटी ना भेजे जिनकी लालच में वो उन्हें अपने पास बुला ले। अब इन्हें मुखाग्नि दीजिए। पंच तत्व की देह हुई